आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें आपको, सीएम धामी जनता से इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। तो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। जाहिर तौर पर देखिए, चूंकि आज सेकेंड फेज के वोटिंग ऑलरेडी वहां हो ही रही है, ऐसे में तीसरे चरण के तहत जहां जहां वोट डाले जाने हैं वहां वहां बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार का जो सिलसिला है राजनीतिक दलों की तरफ से वो तेज होता हुआ। और इसी कड़ी में सीएम धामी आज जनता से वोट की अपील करते नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर तीन फेजेज में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और आज 18 सितंबर को पहले फेज के बाद 25 सितंबर आज है, आज सेकंड फेज की वहां पर वोटिंग ऑलरेडी चल ही रही है। और ऐसे में तीसरे चरण के तहत जहां जहां जिन जिन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी उतरे हैं वहां वहां अब चुनावी प्रचार प्रसार तेज होता हुआ। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे लोगों से। तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास यहां पर हो रहा है। स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं। आज का उनका ये शेड्यूल कुछ इसी तरह का वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते नजर आएंगे। बीजेपी की उपलब्धियां, बीजेपी किस एजेंडे के साथ वहां के किन किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच पहुंच रही है, इसको लेकर वो अपनी बात रखते नजर आएंगे। निसार अहमद हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। निसार, एक तरफ आज सेकंड फेज की वोटिंग, दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा, क्या अपडेट आपके पास? यहाँ के सेकंड फेज के चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, तो पूरी तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर भाजपा की तरफ देखा जाए तो आज जो भाजपा के जम्मू कश्मीर के जो सदर है रविंदर रैना, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। नवशहरा जो कानाचौन की सीट है वहां पे भी अपना वोट कास्ट किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो स्टार कंपेनर है बीजेपी की तरफ से लगातार उनका जो दौरा जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू पे उनका ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि भाजपा इस बात से भी बखूबी वाकिफ है कि अगर जम्मू में उनको मेजोरिटी हासिल हो सकती है तो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में जो अगली हुकूमत होगी, अगली हुकूमत बनाने में किसी ना किसी हद तक कामयाब हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम है, लगातार उनका ये दूसरा विजिट जम्मू कश्मीर का है, खासकर जम्मू खिते में उन्होंने कहीं जो रैलीज है वहां पे मुनाकत हुई थी, जो उसमें शिरकत की। तो आज भी जिस तरह से जो जम्मू के मेन सिटी में जो गांधीनगर सीट है और जिस तरह से जो कुटवा सीट है वहां पे भी आज ये पब्लिक जो रैलीज है उनमें शिरकत करेंगे। और जो बीजेपी के कैंडिडेट्स वहां से खड़े किए गए हैं उनके हक में लोगों से वोट डालने की अपील करेंगे। तो जिस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से पूरी तरह से जो चुनावी महवूल इस वक्त जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, अगर कश्मीर खिते की बात की जाए तो कश्मीर खिते के बाद जम्मू खिते में सबसे ज्यादा अहम जो सियासी जमातें मानी जाती है उनमें कांग्रेस और बीजेपी है। लेकिन बीजेपी का इस वक्त जो ज्यादा दबदबा वहां पे है, पूरी तरह से जो जिस तरह से जो उनके स्टार कंपेनर्स आए हैं, राजनाथ सिंह भी आए हैं, पूर्व के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी आए हैं, जिस तरह से उनके अमित शाह ने भी कहीं दौरे किए हैं जम्मू खिते का, और पूरी तरह से ये बात साफ जाहिर होती है कि इस बार जो यहाँ पे चुनाव 10 साल का गैप जो लगा, 10 साल के बाद यहाँ पे जो चुनाव होने जा रहे हैं तो बीजेपी काफी हद तक जो मजबूत जम्मू खिते में अपने मजबूत साख बनाने में कामयाब हो जाएगी। जी अच्छा, जिन सीटों पर तीसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे निसार, उन सीटों पर कौन कौन से अहम मुद्दे जिन्हें लेकर बीजेपी प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को ही वोट देने की अपील करते नजर आएंगे? जी देखिए, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर की सियासत ये दो हिस्से में तकसीम हो गई है, जम्मू की सियासत अलग है, कश्मीर की सियासत अलग है। कश्मीर में मुद्दे जो है मैनिफेस्टो है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की, खासकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके अलग जो मैनिफेस्टो है। लेकिन भाजपा की अगर बात की जाए तो जम्मू खिते में उनका अलग मैनिफेस्टो, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ वहां पे अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है और इसी बात पर ज्यादा जोर देकर लोगों से वोट मांगने की दरखास्त कर रहे हैं, जिनमें जो टूरिज्म फ्री जम्मू कश्मीर किया जाएगा और दूसरी तरफ जो यहाँ पे जो खानदानी राज चल रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और
पीडीपी की तरफ से उसको खात्मा किया जाएगा और पूरी तरह से जो जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको फरोग दिया जाएगा और जो युवा जब जम्मू कश्मीर का है उनको पूरी तरह से जो उनके लिए नई नई स्कीम यहाँ पे बनाई जाएगी ताकि वो खुद अपना रोजगार यहाँ पे कमा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा क्या फैसला लेते हैं, यहाँ की आधी आबादी यानी कि महिलाएं क्या फैसला लेती है, करना होगा इंतजार। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका निसार अहमद इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा को दी है बड़ी सौगात, कुमायूं में होगी खटीमा क्लब की स्थापना। जी हाँ, कुमायूं में खटीमा क्लब की स्थापना होने जा रही है, इसको लेकर तैयारियां तेज होती हुई और बकायदा इस क्लब के निर्माण के लिए जल्द ही भूमि भी दी जाएगी यानी कि जमीन भी दी जाएगी और धनराशि भी दी जाएगी इस पूरे कंस्ट्रक्शन के लिए, खटीमा क्लब को वहां पर बनाने के लिए। खटीमा क्लब बनाया जाएगा कुमायूं के अंदर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुमायूं मंडल के खटीमा क्षेत्र में एक क्लब की स्थापना होने वाली है। खटीमा शहर में खटीमा क्लब की स्थापना और इसके निर्माण के लिए बकायदा जमीन और धनराशि जल्द ही आवंटित कर दी जाएगी, जल्द ही से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि तेजी से इस दिशा में काम आगे बढ़ाया जा सके। इस काम के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा में इसे शामिल किया गया है और अब चूंकि घोषणा हो गई है संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं इस दिशा में तेजी से काम आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले जमीन दी जाएगी, उसके बाद धनराशि दी जाएगी, उसके बाद फिर इस कार्य को वहां पर शुरू किया जाएगा। कुमायूं में ही खटीमा क्लब बनाया जाएगा। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। हरीश, खटीमा क्लब की क्या इंपॉर्टेंस, क्या इंस्ट्रक्शंस इस क्लब को बनाने को लेकर कुमायूं में ही सीएम की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, वह जनपद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और ऐसे में हम कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करें तो कुमाऊं की तमाम उन जगहों पर विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम खटीमा की बात करें जहां से खुद मुख्यमंत्री आते हैं तो वहां पर जो कुमाऊं मंडल का जो दुर्गम क्षेत्र है खटीमा में, तो वहां पर जो क्लब है खटीमा क्लब बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, उसको लेकर के जो भूमि है उसका चयन यहां पर किया जा रहा है। जल्द ही जो भूमि है उसको यहाँ पर जो धनराशि है वह मुक्त कराई जाएगी और उसके बाद इसमें निर्माण कार्य शुरू होगा और काफी बड़े क्षेत्र में ये खटीमा क्लब बनाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले लोगों को भी इसे सहूलियत मिलेगी और खटीमा के लोग जो हैं उनको भी कहीं कहीं से बहुत ज्यादा राहत मिलेगी क्योंकि आपदाग्रस्त इलाका है और ऐसे में तमाम जगहों पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे संसाधन उन जगहों पर होने चाहिए जहाँ पर आपदा जैसी स्थिति बनती है और ऐसे में चाहे खटीमा क्लब हो या फिर आसपास की जगह हो तो इस तरह की जो अभी तो देखिए चूंकि अनाउंसमेंट की गई है, ये सौगात देने की बात कही गई है, अब शिलान्यास होगा, वहां पर भूमि दी जाएगी, धनराशि प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि माना जाए अभी अच्छा खासा समय लगने वाला है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों का क्या कहना है, क्या उनके पास रिटर्न ऑर्डर्स आ गए हैं या अभी अनाउंसमेंट ही हुई है और उन्हें रिटर्न ऑर्डर्स का इंतजार है, उसके बाद काम आगे बढ़ेगा? देखिए, अभी भूमि चयन का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है, जैसे ही भूमि मिल जाती है उसके बाद इसमें भूमि पूजन किया जाएगा, उसमें भूमि चयन के बाद उसको खरीदने के लिए यानी कि जो क्लब के लिए जो क्लब की जो रजिस्ट्री होगी उसके लिए यहाँ पर जो धनराशि है वो मुक्त कराई जाएगी और उसके बाद इसमें जो निर्माण कार्य है वो तत्काल शुरू किया जाएगा ताकि ये जो निर्माण कार्य है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणा यहाँ पर की है उसे विचार किया जाए, उसे अमल में लाया जाए और उसे पूरा भी किया जाए। जी चलिए हरीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। और अब बात अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड में बिजली कंज्यूमर्स को मिली है बड़ी राहत, बिजली बिल पर 50% तक सब्सिडी का आदेश जारी किया गया, करीब 11 लाख उपभोक्ताओं को इस आदेश के बाद फायदा पहुंचेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरीश खन्ना हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, संजय पुंडीर हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। संजय, ये बड़ी राहत बिजली कंज्यूमर्स को जो मिलने जा रही है, क्या कुछ एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है, कैसे मिलेगी राहत, कैसे मिलेगा फायदा लोगों को? देखिए, लगातार ही उत्तराखंड वासियों को राज्य सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। अगर हिमालय क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर भी और मैदानी जिलों की बात की जाए तो यहां पर भी जो उपभोक्ता हैं उन्हें 50% की राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर राज्य के रहने वाले लोगों को एक तोहफा दिया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं महीने में, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कहा गया था कि अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% का
फायदा होगा, वहीं मैदानी जिलों में भी इस तरह की ही बात कही थी। यानी कह सकते हैं कि लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में एक के बाद एक जिस तरह से सरकारी लाभ है वो लोगों को मिल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी सराहना भी हो रही है। एग्जैक्टली सब्सिडी के लिए क्या दायरा रखा गया है संजय, इस बारे में भी जरा लोगों को इन्फॉर्म करें। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार कहा गया है कि अगर आप तो 200 यूनिट से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए 50% का फायदा होगा। समुद्र तल की गहराई से माप पर दंड तय किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर राज्य के करीब 11,50,000 उपभोक्ताओं को फायदा होने वाला है। इसको लेकर हम उपभोक्ताओं से भी बात कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि धामी सरकार के कार्यकाल में एक केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, दोनों ही तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। चलिए लगातार बढ़ती महंगाई के बीच कहीं तो लोगों को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका संजय पुंडीर इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे बात अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड में फिर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया और पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। बता दें आपको देहरादून, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में भी तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। कल से कुल मिलाकर बारिश में और तेजी के आसार है, यानी कि अभी बारिश से राहत मिलने वाली वहां पर नहीं है। 30 सितंबर तक मानसून की विदाई हालांकि हो सकती है, लेकिन लग रहा है कि मानसून की विदाई से पहले पहले झमाझम बारिश होने वाली है। सारे जो बदरा है वो यहाँ पर बरस कर ही आगे जाएंगे, उसके बाद ही विदाई लेंगे। फिलहाल तो उत्तराखंड में एक बार फिर से येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी कुछ दिन तेज बारिश के ही आसार है, तो लोग उसी हिसाब से अलर्ट मोड पर रहे। हरीश खन्ना हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश, क्या इंस्ट्रक्शंस मौसम विभाग की तरफ से, लोगों से क्या सतर्कता बरतने की अपील की गई है, यानी कि मौसम अभी लगातार खराब ही रहने वाला है? देखिए सुपा, क्योंकि मानसून अपने अंतिम चरण पर है और जिसकी जो विदाई होनी है वो राजस्थान से शुरू हो चुकी है मानसून की, और उत्तर भारत की अगर बात करें, खासतौर से उत्तराखंड की अगर बात की जाए, तो उत्तराखंड में 30 सितंबर को लगभग जो मानसून है और उसकी विदाई यहाँ से हो जाएगी। लेकिन इससे पहले भी अगर हम 2-3 दिनों की अगर बात करें तो यानी कि 26-27 तारीख को फिर से बारिश का अलर्ट यहाँ पर हुआ है, येलो अलर्ट मौसम विभाग केंद्र की तरफ से किया गया है। और जो डायरेक्टर हैं विक्रम सिंह, उन्होंने इसी तौर पर ये कहा है क्योंकि इससे पहले जो 2 दिन कड़ी चढ़क धूप देखने को मिली थी, जिससे कि फिर से गर्मी का आभास यहाँ पर हो रहा था। हालांकि कल की बात करें देहरादून में, तो कल देर शाम को बारिश हुई थी और जिससे कि लोगों ने राहत की सांस ली है। आज भी इस तरह का मौसम दिख रहा है, आसमान में बादल, हल्के बादल छाए हुए हैं। अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें शिल्पा, तो वहां पर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज बारिश का अलर्ट है, और इसको लेकर के क्योंकि अभी आपदा से जुड़े जो भी विभाग हैं वो भी सब अलर्ट मोड पर हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो, आपदा जो इसके अलावा SDRF हो, NDRF हो या फिर पुलिस हो, सभी जो विभाग हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया। हालांकि अभी आपदा जैसी स्थिति नहीं है, हालांकि जो बारिश है, बारिश होने की संभावना फिर से बन रही है। आज की अगर बात करें तो आज भी मौसम, तो कम से कम लोगों को जो अभी 2-4 दिनों से यहाँ उत्तराखंड वासियों को जबरदस्त गर्मी झेलनी पड़ रही थी, जो उमस का उन्हें सामना करना पड़ रहा था, उससे थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए इस प्रकार, क्योंकि अभी की अगर बात करें तो कल जिस तरह से देर शाम को जो बारिश हुई थी उससे लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अगर हम आज की अगर बात करें तो आज भी बारिश होने की संभावना है। देहरादून सहित अगर हम कुमाऊं मंडल के अगर उन इलाकों की बात करें, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जगहों की अगर बात करें, तो यहाँ पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। हालांकि अगर आप देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की धूप यहाँ पर खिली हुई है, लेकिन आसमान में बादल है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हरीश खन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट चमोली के थराली पहुंचे, जहां शिशु मंदिर थराली में आयोजित बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान के लक्ष्य को तय समय पर पूरा करने का आह्वान किया। महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बीजेपी सदस्यता अभियान से लोगों को जोड़ते हुए पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के लिए जी जान से लग जाए। उन्होंने निकाय चुनावों और पंचायती चुनावों में दावेदारी करने वाले कार्यकर्ताओं को कम से कम 500 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष चमोली रमेश मैखूरी,
थराली विधायक भूपाल राम टमटा समेत पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद नजर आए, काफी उत्साहित नजर आए। महेंद्र भट्ट की मौजूदगी के बाद एक तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। उत्तराखंड की अधिकतम विधानसभाओं के किसी कुछ में ज्यादा पाया और मैं समय थराली बदल रही थी, थराली विधानसभा बदल रही थी, सदस्यता बड़े समाज हर वर्ग के लोगों से जुड़े, उसके लिए हमने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। मुझे बताते खुशी है कि लगभग 11,000 से ज्यादा सदस्य अभी थराली मंडल में हमारी थराली विधानसभा बन चुके हैं। कल और 29 तारीख दो दिन हमारे मन की बात है और हमारा कार्यकर्ता गांव के प्रत्येक दरवाजे तक जाएगा, केंद्र अपने जाएगा और भाजपा से तारीख हम सदस्यता के पक्ष के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता पार्टी से चुनाव में उसका लाभ मिलता है। या पंचायत चुनाव हर विधानसभा चुनाव होता है, हम कार्यकर्ता बल बल रखते हैं। यही कारण 18 करोड़ सदस्यों के बाद हमने तीसरी बार देश में सरकार बनाई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार और सेलाकोई के आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रेच केंद्र यानी कि पालना के तौर पर अगले महीने अक्टूबर से संचालित करने के निर्देश दिए हैं, जहां महिलाएं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अपने 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को देखभाल के लिए छोड़कर बेफिक्र होकर काम पर जा सकेंगी। ये दोनों पालना मॉडल केंद्र के तौर पर खोले जा रहे हैं वहां पर। इसके बाद 5 जिलों के 32 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी क्रैच केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा, वहां भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश होगी। मंत्री रेखा आर्या ने सभागार में विभागीय अफसरों के साथ इस पर समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 5,713 बच्चों के लिए जुलाई महीने के 171 लाख और 5,673 बच्चों के लिए अगस्त के लिए 170 लाख रुपए यानी कि कुल मिलाकर 3,41,58,000 की धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कर दिया है। इस बैठक में नंदा गौरा योजना समेत महिला कल्याण और उत्थान से जुड़ी हुई अन्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में महिला कल्याण के निदेशक प्रशांत आर्या, उप निदेशक विक्रम सिंह, सीपीओ मोहित चौधरी, अंजना गुप्ता, राजीव नयन और अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित दिखे। वहीं मंत्री जी ने आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में देरी और अफसरों के सुस्त रवैये पर नाराजगी व्यक्त की, उन्हें जमकर वहां पर फटकारा गया। निर्देश दिए उन्होंने फटकारते हुए कि विभाग जल्द ही खाली पड़े हुए पदों पर भर्तियां करे, खाली जितने भी पद पड़े हुए हैं उन पर जल्द से जल्द नियुक्तियां होनी चाहिए ताकि कहीं भी कोई भी कामकाज जनता के हित से जुड़ा हुआ रुकने ना पाए। लोकसभा चुनाव के उपरांत से एक चीज़ मेरे संज्ञान में जहन में आ रही थी कि आचार संहिता के कारण जो है हो सकता है कि हमारे जो वात्सल्य के बच्चे हैं जिनकी मैं बुआ के रूप में भूमिका अदा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में भूमिका अदा करते हैं, तो आचार संहिता के दौरान से लेकर अब तक मैं आभास हो रहा था कि बच्चों को उनका वात्सल्य जो आर्थिकी के रूप में हम लोग देते हैं वह नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया होगा। तो बीच में भी मैंने जब समीक्षा करी थी तो इस पर विभाग को दिशा निर्देश दिए थे कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है वात्सल्य का जो धन है वह उनके खातों में सीधे सीधे भेजे जाए। तो आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि पुनः दूसरी बार की बैठक में आज हमने अपने वात्सल्य के बच्चे जो कि लगभग जो है 5,673 बच्चे उनको 2 माह का यानी कि आपके जुलाई और अगस्त माह का धनराशि लगभग 3,41,58,000 की धनराशि आज डीबीटी कर दी। वहीं नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की दूसरी बैठक विधानसभा में संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई। प्रवर समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में विधेयक के प्रावधानों और ओबीसी आरक्षण पर समिति के सदस्यों ने चर्चा की, अपने अपने सुझाव दिए। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस दौरान कहा, सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव हमारे सामने रखे हैं। 4 अक्टूबर को अगली बैठक की तिथि तय की गई है जिसमें दोनों बैठकों में तय किए गए बिंदुओं पर चर्चा होगी, कितने बिंदु पूरे हो गए हैं, कितनों पर अभी काम होना बाकी है। गौरतलब है कि 18 सितंबर को पहली बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं होने पहुंचे। समिति को रिपोर्ट देने के लिए 1 महीने का भी समय दिया गया है। 8 अक्टूबर से पहले समिति को विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। कि
प्रवर समिति की आज जो हम लोग बैठे हैं और प्रवर समिति के हमारे सभी सम्मानित साथी इसमें मौजूद थे, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। और इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे बीएस वर्मा साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारी इस बैठक में समय दे सकें, तो मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो आए और उन्होंने अपने जो भी जिज्ञासाएं हमारे माननीय विधायकगणों के उनको उन्होंने उसके बारे में बताया और बहुत अच्छे हेल्दी डिस्कशन हुआ है। सभी लोगों ने अपने अपने विषय और सुझाव रखे हैं। अभी हम एक बैठक इसके बाद फिर बहुत जल्द करने वाले हैं, यानी कि 4 अक्टूबर की तिथि अभी हमने तय की है। वहीं राज्य आंदोलनकारी धीरेंद्र प्रताप ने रामनगर पहुंचने पर राज्य आंदोलनकारी के साथ बैठक की। उन्होंने कहा राज्य आंदोलनकारी की बदौलत ही उत्तराखंड राज्य बन सका है। प्रदेश सरकार काफी लंबे समय से क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी जा चुकी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ने राज्य बनाने में कई सारे आंदोलनकारी शहीद हुए थे, कईयों ने जेल की हवा भी खाई थी। राज्य आंदोलनकारियों का अपमान नहीं होना चाहिए। आंदोलनकारी भूमि कानून को लेकर चिंतित है। भूमि कानून के मजबूत नहीं रहने से आज सारी की सारी जमीनों पर लूट मची हुई है। जल्द ही राज्य आंदोलनकारी का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेगा, ये समस्या उनके सामने रखी जाएगी। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रदेश भर के राज्य आंदोलनकारी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। राज्य बना है, ये बड़े अफसोस की बात है कि पहले तो सरकार ने बहुत समय लगाकर आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लागू किया, गवर्नर साहब ने काफी देर के बाद उस पर दस्तखत किए। दूसरी बात क्या है कि अब कुछ सिरगिरों ने एक अपील डाल दी है हाईकोर्ट में, जिसमें कि उनको एतराज है कि उनको 10% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आंदोलनकारियों की आज बैठक में इस पर विचार हुआ है और उन्होंने सरकार से कहा कि इस मामले में सरकार सख्ती से पैरवी करे, ये आंदोलनकारियों का अपमान है। उन्होंने जो खून बहाया है, 50 से ज्यादा शहीद हुए हैं, उन लोगों ने जो जेलें काटी है, समय दान किया है, अपना अच्छे दिन लगाए, उनका इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। और इस तरह के तत्व जो है एक तरह से कमोबेश एक तरह से राज्य विरोधी है, उनको ये कहा जाए कि वो राज्य विरोधी हैं तो कोई शक नहीं है। उसके लिए वकीलों का एक अच्छा दल वहाँ पर नियुक्त करें नैनीताल में और उनकी जो है उनको परास्त किया जाना चाहिए किसी भी हालत में। वहीं हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन सभागार में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 का आय व्यय ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अनुमोदित कर पारित कर दिया गया उसे, जिसमें महिला अस्पताल की तरह जिला अस्पताल को भी ध्वस्त कर उसे नया बनाया जाएगा। पार्किंग और हरियाली की व्यवस्था के साथ आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए आवास की योजना बनाई गई है। कर्मेंद्र सिंह ने इस दौरान कहा महिला अस्पताल की तरह जिला अस्पताल को भी ध्वस्त करके दोबारा से इसे नया बनाया जाएगा। नई बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी, प्रथम 2 भूतलों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। डीएम के मुताबिक अस्पताल में पार्किंग की समुचित व्यवस्था के साथ साथ चिकित्सालय प्रांगण के अंदर हरियाली होनी चाहिए। सोलर ऊर्जा की व्यवस्था का भी खास ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था भी की जानी है। प्रबंध समिति की बैठक होती है, जो आपका जिला अस्पताल है महिला अस्पताल है, दोनों के चिकित्सीय प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और इसमें इस वर्ष के लिए जो वित्तीय प्रबंधन होता है उसका यहाँ पर तय होता है कि कितना बजट इनको, कितना आय है इनका, कितना व्यय है, यूजर चार्जेस से कितना मिला है और कितना शासन से ये अपेक्षा कर रहे हैं, तो वो सारे बजट यहाँ पर प्रस्तावित थे, बजट पास किए गए हैं। चलिए उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।